अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ तवाफ पार्ट 18। उसका भी दिल बहुत चाह रहा था कि वो भी उन सब के साथ चली जाए, लेकिन वो मज़ीद आंटी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो पहले ही उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ में थी। फिर अचानक स्ट्रेचर लिए चार आदमी रूम से बाहर आए। शहरोज उनके पीछे था, सारे स्ट्रेचर के पास फौरन पहुंच गए थे, जैसे ज़िंदगी में दोबारा कभी उसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। आबिश भी तड़प कर उसके पास गई थी। वो स्ट्रेचर पर पड़ा कितना पुरसकून लग रहा था, इतना नूर था उसके चेहरे पर कि आबिश की आँखें चुंधिया गई। शायद उसे ही ये नूर नज़र आ रहा था, क्योंकि आखिरी बार वो उसको देख रही थी। आबिश को वो लेटे हुए इतना प्यारा लग रहा था कि बेसाख्ता उसके मुंह से माशाल्लाह निकला। उसे लगा कि कहीं नज़र ही ना लग जाए उसे। अब झुककर आहिल की मम्मी उसका चेहरा चूम रही थी। आबिश को पूरी तरह उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, तो उसकी सांसें रुकने लगी। आज वो आहिल के शहर में गिरफ्तार हुई थी, वो मुसलसल उसे देखना चाहती थी। फिर आंटी ने सर ऊपर किया तो फिर से आहिल का चेहरा दिखाई देने लगा। आसपास क्या हो रहा था वो सब भूल गई, बस महू उसे देख रही थी। पता नहीं अजीब सा कुछ हो रहा था, आहिल का ख्वाब हावी हो रहा था। वही ख्वाब, वो वही सफ़ेद फ्रॉक पहने, लाइट पिंक कलर के लिपस्टिक लगाए, बालों में सफ़ेद मोतियों का ताज पहने आहिल को दूर बैठा हुआ देख रही थी। वो नीले पानी की झील के किनारे बैठा उसकी लगाई कालिक धो रहा था। आबिश भागकर उसके पास जाती है। वो मुसलसल अपने मुंह पर पानी फेंक रहा होता है। जैसे जैसे वो जादुई पानी उसके चेहरे पर गिरता है, वैसे वैसे वो मज़ीद हसीन और पुरनूर होता जाता है। आबिश उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो एक बार फिर मुड़कर आबिश की तरफ नहीं देखता है, बस उस जादुई पानी से चेहरा धोए जा रहा है। फिर अचानक वो उठकर खड़ा होता है और उससे दूर हो जाने लगता है। असल में भी स्ट्रेचर अब दूर जा रहा था और सब उसके साथ चल रहे होते हैं। वो भी स्ट्रेचर के साथ साथ चलना शुरू कर देती है और जादुई नगरी में भी वो उसके पीछे भागती है। वो बहुत तेज़ चल रहा है, आबिश भाग कर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर अचानक वो रुक जाता है और इधर स्ट्रेचर भी रुक जाता है। वो जादुई नगरी वाला आहिल एक बार मुड़कर आबिश को देखता है। उसकी शहद रंग कातिल आँखें किसी हद तक हसीन लग रही होती है। आबिश का दिल करता है कि वो यूं ही आंखें खोले उसे देखता रहे और वो ऐसे ही खड़ी सारी उम्र उसकी आंखों में देखती रहे। फिर अचानक वो आंखें झुका लेता है। आबिश के दिल की धड़कन आहिस्ता हो जाती है, फिर वो अपना चेहरा मोड़ लेता है। आबिश की धड़कन और आहिस्ता हो जाती है, फिर वो चलना शुरू हो जाता है और थोड़ी आगे जाकर अचानक गायब हो जाता है और आबिश की धड़कन बिल्कुल रुक जाती है, उसका दिल बंद होता जाता है। असल में भी सब आहिल को ले जा चुके थे और वो अकेली खड़ी थी कि अचानक ज़मीन पर गिर जाती है। दिल वाकई बंद हो गया था। न जाने किस पहर उसकी आँख खुली, दिन था या रात वो अंदाज़ा नहीं कर पाई। सारे उसके पास बैठे हुए थे, मामा बाबा, यही तो दुनिया थी उसकी। लेकिन फिर भी दुनिया नामुकम्मल लग रही थी, अधूरी। वो जो नहीं था वो आहिल, पता नहीं वो इस दुनिया में अब था भी कि नहीं। नहीं, उसे जीना होगा, उसे अब आबिश के लिए जीना होगा। आबिश को होश में आता देखकर मामा उसके पास आई। उन्होंने आबिश का हाथ पकड़ा। मामा, आहिल, वो बस इतना ही बोल सकी, मज़ीद कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों मामा जवाब देने के बजाय नज़रें चुरा गई थी। आबिश के दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ हो गई, दिमाग भी दिल के खदशे की गवाही दे रहा था। लेकिन वो चाहती थी कि आज दिल और दिमाग की ये गवाही झूठी साबित हो जाए। मामा, आप बताती क्यों नहीं है, आहिल कैसा है अब? क्या तड़प थी आवाज़ में, पर तड़पना तो अब मुकद्दर में लिख दिया गया था। इस बार मामा की आंखों से एक आंसू बहा था और फिर रफ्ता रफ्ता पूरा चेहरा आंसू से भर गया था। वो अब भी खुद कोई नतीजा नहीं निकालना चाहती थी। उसने आंखों में आंसू भर कर अपने बाबा को देखा, जो पहले तो नज़रें चुरा गए और फिर आगे बढ़कर आबिश के सर पर हाथ रख दिया। इस सब का क्या मतलब हो सकता था, आबिश समझ रही थी, लेकिन यकीन करना ही नहीं चाहती थी। वो अब उनसे पूछेगी ही नहीं, वो अब आहिल को ही फ़ोन करेगी, वो ही फ़ोन उठाएगा, उसे उठाना पड़ेगा। उसने तकिए की साइड पर पड़ा फ़ोन उठाया था और आहिल को फ़ोन मिलाया। बेल जा रही थी, उसने आंखें बंद कर ली, अभी भी बेल जा रही थी। आहिल फ़ोन उठाए, वो ज़ेरी लब बोल रही थी। बेल अब जाना बंद हो गई थी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने आंखें खोली, पानी आंखों से
ऐसे बाहर निकला जैसे किसी दरिया का बंद खोल दिया गया हो। उसने फिर से आहिल को कॉल मिलाई, इस बार भी किसी ने नहीं उठाई। वो फिर मुसलसल कॉल मिलाए जा रही थी और आगे से आहिल फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे पिछली रात याद आ गई, वो भी तो ऐसे ही बार बार फ़ोन कर रहा था, वो भी तो ऐसे ही तड़प रहा था, तब तो उसे एहसास नहीं हुआ था, वो अब उसका एहसास क्यों करें। फिर अचानक कॉल अटेंड हो गई। आबिश की एक मिनट के लिए तेज़ चलता दिल बंद हो गया था। आहिल, उसने बस इतना ही बोला था, आगे से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद कॉल कट गई है, लेकिन नहीं, वो खामोश था, वो उसकी आवाज़ सुन रहा था। आहिल प्लीज़ कुछ कह ले, कुछ भी, बेशक ये ही कह दे कि आप मुझसे हमेशा मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए, लेकिन यूँ खामोश ना रहे प्लीज़, मेरा दिल बंद हो रहा है। आहिल ने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया आबिश, पूरी ज़िंदगी तड़पोगी अब तुम। अल्फाज अदा कर दिए गए थे आहिल की आवाज़ में, नहीं रेशम की आवाज़ में। आहिल किधर है? आबिश अभी जली कटी नहीं सुनना चाहती थी, अभी बस वो आहिल को सुनना चाहती थी। कहा है ना, आहिल ने छोड़ दिया है तुम्हें, लेकिन उसने तुम्हारे साथ साथ हमें भी छोड़ दिया है। तुम्हें छोड़ने के लिए देखो, उसे हम सबको छोड़ना पड़ा है आबिश। रेशम ऐसे बोल रही थी जैसे बहुत ज़्यादा रो के बैठी हो। हाँ, वो कह रहा था कि वो बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढ लूँगी। क्या यकीन था आबिश, वो अब नहीं मिलेगा। जब वो कह रहा था ये सब, तभी रोक लिया होता उसकी हो गई होती, शायद वो उस वक्त हम सब के साथ होता। वो आपको भी बता के नहीं गया? आप तो उसकी दोस्त है ना, आपको तो वो हर बात बताता है ना। आप मुझे बता दें, देखना मैं सब सही कर दूंगी। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों रेशम ने रोना शुरू कर दिया था। हाँ पता है मुझे, जाना चाहोगी उसके पास? अचानक से रेशम की आवाज़ में गुस्सा आ गया था। आबिश खामोश हो गई। तुम ऐसा करो कि फिर मर जाओ, क्योंकि तुम अब मर के ही उसके पास जा सकती हो। ख़त्म कर दिया तुमने आहिल को, वो बेचारा तड़प तड़प कर मर गया, और देखो कितनी मासूम बन रही हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। अब बोलती क्यों नहीं हो? हाँ जवाब दो, मर जाओ, मरती क्यों नहीं हो? रेशम शायद कुछ और भी बोल रही थी, लेकिन आबिश के हाथ से मोबाइल छूट गया था। कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी, लेकिन अचानक सब कुछ धुंधला गया, और फिर पहले दूर की चीज़ें बिल्कुल नज़र आना बंद हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब की चीज़ें भी अंधेरे में डूब गई। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आबिश ने आँखें बंद कर ली। उधर आहिल था, वही ब्लैक शेरवानी पहने हुए जो निकाह वाले दिन पहनी थी। आबिश से दूर बैठा हुआ था। आबिश उसे देखती है, वो उससे बेखबर बैठा खूबसूरत फूलों को देख रहा होता है। आबिश अपनी सफ़ेद फ्रॉक उठाए उसके पास जाती है और उसके साथ बैठ जाती है। साथ बहती झील का शोर होता है और वो दोनों होते हैं। झील के पानी का अक्स उसकी आंखों में पड़ रहा होता है। वो शहद रंग की चमकती हुई आंखें आबिश को दीवाना कर रही होती है। फिर अचानक उन आंखों की चमक खत्म हो जाती है, शहद रंग की जगह सुर्ख रंग आ जाता है, पास बहती झील का रंग भी सुर्ख हो जाता है, और आहिल की आंखों से खून बहने लगता है, और वो उन्हीं आंखों से आबिश को देख रहा होता है। आबिश को खौफ आता है उस खून से, वो अपनी आँखें बंद कर लेती है, और उधर की सब चीज़ें भी अंधेरे में डूब जाती है। आहिल को गए हुए एक हफ्ता गुजर गया था। आबिश भी घर आ चुकी थी, ना कुछ खाती थी ना पीती थी, मामा ज़बरदस्ती ही कुछ खिला के दवा खिला देती थी। शायद वो आहिल की मौत का खुद को ज़िम्मेदार समझ रही थी। यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था, वो लेटी हुई थी जब दरवाज़ा खुला और माहिम अंदर आई। उसके आने पर आबिश उठ के बैठ गई थी। माहिम को देख कर बहुत कुछ याद आया था, बहुत सारी बातें, कितनी तकलीफ़ें दी थी ना उसे। चला गया वो, आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और उसकी भी वो हद ख़त्म हो गई थी। माहिम बिल्कुल ठीक आबिश के सामने बैठी थी। वो जो सारी सारी रात उसकी सेहतयाबी की दुआएं करता रहता था, वो चला गया था। आबिश का चेहरा एक बार फिर आंसुओं में भर गया। माहिम उसके सामने बैठी उसका दिल बहलाने के लिए बातें कर रही थी, पर उसका दिल तो अब किसी चीज़ से नहीं बहल सकता था। आबिश, तुम कल से मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाओगी, माहिम उसका हाथ थामे प्यार से उसे कायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आबिश आगे से खामोशी थी। स्टडीज़ का पहले ही बहुत नुकसान हो गया है, अब हम मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकते, माहिम मज़ीद कह रही थी। माहिम, तुम्हें याद है जब स्केचेस कंपटीशन हो रहा था और मैंने आहिल का स्केच बना दिया था, तब तो मैंने चाहा भी नहीं था कि उसका बने, लेकिन अब अगर मैं यूनी जाऊंगी तब तो जो कुछ भी ड्रॉ करूंगी वो आहिल का चेहरा ही बनेगा ना, आबिश ने हवा में देखते हुए कहा।
नहीं आबिश, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना, तुम यूनिवर्सिटी जाओगी ना, माहौल तब्दील हो जाएगा, तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और अगर आहिल का स्केच बन भी गया तो क्या हुआ, पहले भी तो तुम उसकी वजह से कॉम्पिटिशन में जीती थी, फिर हमेशा जीतोगी। माहिम ने अनजाने में जो बात कही थी वो आबिश के दिल पर लगी थी। वो तो बना ही आबिश को जिताने के लिए था, और आबिश को ही जिताने के लिए अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी भी हार गया था। आंसू थे कि एक पल को रुकते नहीं थे, और फिर पूरा चेहरा भीगा जाते थे। आबिश को रोता देखकर माहिम ने उसे गले लगा लिया था। आबिश, तुम रोया ना करो यार, इससे तुम्हारे आंसू नहीं बर्दाश्त होते थे, और तुम अब भी रो के उसे तकलीफ़ दे रही हो। तुम उसके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह उसे जन्नत में आला मकाम दे। दुआ, हाय, वो अब माहिम को क्या बताए कि वो बहुत कोशिश करती है दुआ करने की, लेकिन न जाने क्यों एकदम से भूल जाता है और दुआ करने को दिल ही नहीं चाहता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। माहिम थोड़ी देर मजीद बैठी और फिर चली गई, और जाती जाती यूनिवर्सिटी आने की तलकीन कर गई थी। ये जो हम दुआएं करते हैं ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है कि अल्लाह ने हमें दिल से उससे मांगने वालों में रखा है। वो लोग जिनके दिल को सुकून छीन लिया जाता है ना, उनसे दुआएं मांगने का इख्तियार भी छीन लेता है अल्लाह। और यकीन रखें, जिनसे ये इख्तियार छीन लिया जाता है उनको फिर किसी पल चैन नहीं मिलता। गहरी रात हुई थी और वो बेड से टेक लगाए यूं ही कलीन पर बैठी हुई थी, और एक्वेरियम में मछलियों को देख रही थी। खूबसूरत रंगीन मछलियां पानी से खेलती हुई यहाँ से वहाँ जा रही थी। आबिश को एक काले रंग की मछली बड़ी पसंद थी, वो अक्सर बैठकर उसे देखा करती थी। वो काली मछली पानी की आबशार से कभी गुजरती तो कभी दूसरी मछलियों को जाकर तंग करती, फिर वो जाकर एक जगह बैठ गई। आबिश को लगा वो भी उसकी तरह थक गई थी। वहाँ पानी के अंदर कोई चीज़ चमक रही थी। आबिश ने गौर से देखा तो वो कोई हीरा चमक रहा था। हाँ, उसकी अंगूठी का हीरा, वही अंगूठी जो आहिल ने उसे पहनाई थी, उसके आहिल ने। वो जल्दी से उठी और जाकर वो अंगूठी निकाल लाई। पिछले 5 सालों से मुसलसल पानी में रहने की वजह से वो ज़रा मैली हो गई थी, लेकिन उस ऊपर अभी तक आहिल का लम्स बरकरार था। आबिश ने उस अंगूठी को उस तरह पकड़ा हुआ था जैसे आहिल का हाथ थामे बैठी हो। उसके लम्स में भी हमेशा अपनायत और इज्जत हुआ करती थी। उसे बेइख्तियार रोना आया था, कितनी पाक मोहब्बत खो दी थी उसने। और पाक मोहब्बतें खोने के कुफारे बहुत मुश्किल से अदा होते हैं, और अभी आबिश को ये सब अदा करने थे। आहिल की मोहब्बत को वो किसी गुनाह की सज़ा कहती थी, तो उसने तो अपनी सज़ा काटी थी और पूरी ईमानदारी से काटी थी, लेकिन आबिश इसकी तो अभी से बस हो गई थी। बाहर लॉन में वो मामा बाबा के साथ बैठी थी। आज सुबह के वक्त गर्मी पहले की निस्बत कदरे कम थी। मामा बाबा न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे जब बाहर से किसी गाड़ी का हॉर्न आया, और फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी अंदर आई और पार्किंग में खड़ी हो गई। अब कोई उसमें से बाहर आ रहा था। आबिश को पहचानने में ज़रा देर नहीं लगी, और वो जल्दी से उठ के फ़ौरन अपने भाई के गले लग गई। हाँ, उसका भाई हमाद आया था। मामा ने उसे फ़ोन करके आबिश के लिए बुलवाया था, और आबिश उससे मिलकर वाकई खुश हुई थी। फिर वो सारा दिन भाई के साथ ही बैठी रही थी। वो बहल रही थी, आहिल का दुख बरकरार था, लेकिन भाई के इतने अरसे के बाद आने की खुशी का एहसास इस वक्त गालिब था। फिर वो रात को बैठे आहिल के बारे में ही बातें कर रहे थे। आबिश, मुझे मामा ने बताया था कि तुम आहिल की डेथ की वजह से बहुत अपसेट हो। मौत तो बरहक है ना, अब मरे हुए लोगों के साथ मरा तो नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो किसी माँ का बच्चा अगर मरता तो माँ भी उसके साथ मर जाती। ठीक है, अफसोस है, मुझे भी है, लेकिन उसे अपने पुरसवार करने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। हमाद वो और बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। जब हमाद ने ये बात शुरू की, आबिश ये सुनकर ज़रा देर के लिए खामोश हो गई थी, फिर बहुत मुश्किल से अल्फाज इकट्ठे करके बोली, क्योंकि उसकी डेथ मेरी वजह से हुई है। पता नहीं, शायद अभी भी मोहब्बत का इकरार करते हुए डर रही थी। तुम्हारी वजह से? कैसे आबिश, मैं समझा नहीं, तुमने खुद मारा है उसे? हमाद अब उससे पूछ रहा था। नहीं, मैंने नहीं मारा, लेकिन मेरी वजह से वो इस कदर अजियत में था कि मौत उस पर गालिब आ गई। अब आबिश की आंखों से आंसू भर गए। तुम चाहती थी वो इस अजियत में रहे? नहीं, लेकिन मैं उस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि मेरी वजह से शदीद अजियत में वो है, और मैंने हमेशा उसकी अजियत बढ़ाई है, कभी कम नहीं की। अब आबिश के आंसू आंखों से बाहर निकल रहे थे।
तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी कब्र पर चलते हैं, तुम जाकर उससे माफ़ी मांग लेना, हो सकता है तुम्हारा एहसास निदामत कम हो जाए। हमाद बस अपनी छोटी बहन को खुश देखना चाहता था, पर मुझे तो पता ही नहीं कि उसकी कब्र कहाँ है। आबिश को वाकई ही नहीं पता था। आबिश की फैमिली में से तो कोई भी उसके बात करने को भी तैयार नहीं था। क्या मतलब, उसका एक्सीडेंट तो यही हुआ था ना, और डेथ भी यही हुई, तो कब्र भी या तो इधर होगी या फिर कराची में। नहीं भाई, उसकी डेथ मुल्तान में नहीं हुई, उन्हें आंटी अंकल लंदन ले गए थे, वहाँ पर हुई है डेथ। ओ, तो वापस आकर उन्होंने तदफीन के वक्त फ़ोन नहीं किया? उन्होंने तो डेथ की इतला तक नहीं दी, वो तो आहिल की एक दोस्त ने बताया। वो लोग तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और देखें भी क्यों, उनके एकलौते बेटे की मौत की जो मुजरिम हूँ। आबिश कहकर उठकर चली गई। वो अब मज़ीद आहिल के बारे में बात नहीं कर सकती थी, और जाते जाते हमाद को सोचने पर मजबूर कर गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आँख खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, उसे सोफे पर किसी की झलक महसूस हुई थी। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई। ये उसका वहम नहीं था, वाकई सोफे पर कोई बैठा हुआ था। वो उठी और सोफे के पास जाने लगी। अभी भी उधर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसके वजूद में कोई हरकत नहीं थी। आबिश जैसे जैसे करीब जा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। आबिश अब बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। वो जो भी था, वो अपना सर झुकाए बैठा था। कौन है, आबिश ने करीब पहुँच कर कहा। अब उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, उसका हाथ खून से भरा हुआ था और उस पर दिल पड़ा हुआ था। अब उसने अपना चेहरा ऊपर किया था, उसकी आंखों से मुसलसल खून बह रहा था। वो आहिल था, हाँ वही था। उसका सीना चीरा हुआ था और वो हाथ में दिल पकड़े बैठा खून बहती आंखों से आबिश को देख रहा था। आबिश की आवाज़ तक बंद हो गई थी। वो चीख मारना चाहती थी, मगर आवाज़ कहीं गले में ही अटक गई थी और कदम वहीं पर जम गए थे। उसने पांव उठाना चाहा, लेकिन वो इतने वजनी हो गए थे कि उठाए ही नहीं गए। फिर अब आहिल उठकर खड़ा हुआ था, उसके माथे पर गहरे बल थे। वो उठकर आबिश के करीब आ रहा था और आबिश डर से कांपने लगी। फिर उसने आबिश के कंधे पर हाथ रखा। आबिश को लगा जैसे किसी ने कई मन वजन उसके कंधों पर रख दिया हुआ है, और फिर वो नीचे गिर के बेसुध हो गई। जब होश आया तो वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। मामा और हमाद उसके पास बैठे हुए थे। उसे रात वाला सारा किस्सा याद आया। तो वो क्या सब ख्वाब था? लेकिन वो ख्वाब नहीं हो सकता, पर काश वो सब एक ख्वाब ही हो। आबिश, क्या हुआ था? मैं जब सुबह तुम्हारे कमरे में आया तो तुम नीचे सोफे के पास बेहोश पड़ी हुई थी। हमाद ने उसे उठता देखा तो उसे सहलाकर बोला। आह, तो वो वाकई हकीकत थी, वो आहिल ही था, वो बदला लेने आ गया। मैंने जितना तड़पाया वो अब मुझे तड़पाएगा, तो मतलब आखिरी वक्त में वो वाकई नफ़रत करने लगा था मुझसे। आह, नफ़रत! ये सोचकर आबिश को जितनी तकलीफ़ हुई थी, उसके साथ बैठे हुए लोग नहीं लगा सकते थे। आबिश, क्या हुआ, चुप क्यों हो, बोलो। कुछ नहीं भाई, बस मैं डर गई थी। आबिश नहीं बताना चाहती थी, ये उसका कसूर था, उसकी सज़ा थी और वो खुद बर्दाश्त करेगी। किससे डर गई थी मेरी बेटी? अब बाबा ने फिक्रमंदी से उसके पास आके पूछा। मामा, बस मुझे लगा इधर कोई बैठा है तो बस मैं डर गई। आइंदा लाइट ऑन करके सोया करूँगी, फिर डर नहीं लगेगा, अब फिक्र ना करें। उसने मामा और भाई को तो बेफिक्र कर दिया था, लेकिन वो बहुत फिक्रमंद थी। वाकई आहिल बदला लेने आ गया है। डर, अजियत, खौफ का मिला जुला एहसास था। डर उसके लिए कि वो पता नहीं अब कैसे बदला लेगा, कौन सी मखलूक के रूप में होगा। अजियत इसलिए कि जो एहसास था कि आहिल मोहब्बत करता था, इस दुनिया में ना सही, आखरत में मिल लेना, लेकिन अब तो वो नफरत करता था, अब अजियत ही होनी है। खौफ इसलिए कि एक सोते वक्त ही तो सुकून मिलता था, पर अब वो भी नहीं सो सकेगी। खौफ के मारे नींद ही कहाँ आनी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आहिल की डेथ को एक महीना हो चुका था। आबिश मुश्किल से दिन में एक दो नमाजें पढ़ती थी, सारा दिन सोती और सारी रात जागा करती थी। रात के किसी पहर अगर आंख लग भी जाती तो डर के मारे चीखें मार मार कर सारा घर सर पर उठा लेती थी। मैं यहाँ आप लोगों के सामने एक सवाल रखती हूँ, आबिश तो नेक थी, बहुत पाक, फिर उसे ये अजियत क्यों दी जा रही थी? उससे सुकून क्यों छीन लिया गया था? पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को मुकम्मल समझती थी, यही समझती कि वो पाक है और आहिल गुनाहगार। वो अगर दूर हो गई तो आहिल ही तड़पेगा, उसे ही अजियत होगी। मोहब्बत को उसने हमेशा जुर्म की निगाह से देखा था।
हमेशा सोचा मोहब्बत किसी गुनाह के कफ़ारे के तौर पर नाजिल कर दी जाती है और वो तो गुनाहगार नहीं है, तो अल्लाह क्यों कर उसे मोहब्बत अता करेगा, उसके दिल का सुकून कैसे छीनेगा। यही गुरूर था उसका कि उसे एक ही महीने में आहिल की 10 साल की अज़ियत का सामना करना पड़ा। अपने पाक होने पर शुक्र अदा करो कि उस रब ने तुम्हें नेक लोगों में शामिल किया है। मगरूर ना हो जाओ ये दूसरों को हकीर समझने लगो। अल्लाह जानता है कि कोई कितना पाक है और कितना नापाक। अल्लाह के नज़दीक ये लोगों की जजमेंट वाला आला नहीं है, वो तो दिलों से वाकिफ़ है। किसी को अगर कोई तकलीफ़ दे दी गई है तो खुदा के लिए उसे उसके गुनाहों की सज़ा मत कहो। हो सकता है वो उसकी आजमाइश हो और तुम्हारे ऐसा कहने की बिना पर तुम पकड़ में आ जाओ। बेशक अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। आबिश, तुमसे कोई लड़की मिलने आई है, गेस्ट रूम में बैठी है, जाकर मिल लो। आबिश अपने कमरे में लेटी हुई थी जब हमाद ने कमरे में आकर उसे बताया। भाई कौन सी लड़की, मुझे किसी से नहीं मिलना, उसे कह दे यहाँ से चली जाए। आबिश ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था, आए दिन कोई ना कोई क्लास फेलो उसका पता करके घर मिलने आ जाया करती थी। हमाद वापस जाने लगा, इतने में मामा कमरे में आई थी। आबिश, रेशम आई है, गेस्ट रूम में तुम्हारा वेट कर रही है। रेशम का नाम सुनकर आबिश बिजली की रफ्तार से उठकर बैठ गई और फौरन गेस्ट रूम में पहुंच गई थी। वहां सोफे पर रेशम जर्द और सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए बैठी थी और वो उस रंग में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अलबत्ता आबिश का हुस्न ढल गया था, वो जो चेहरे की रौनक और चमक थी ना होने के बराबर हो गई थी। कभी उसका चेहरा बहुत पुरनूर था, अब उस पर नूर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। रेशम उसको इस हाल में देखकर एकदम से हैरान हो गई थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, जैसे मीलों का सफ़र करके आई हो। फिर वो रेशम से मिली और सोफे पर बिल्कुल गिरने के अंदाज में बैठ गई। आबिश को ऐसे बैठता देखकर रेशम को एक झटका सा लगा था। आबिश तुम ठीक हो ना, रेशम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं हूँ मैं ठीक और ना ही होना चाहती हूँ, बहुत थके हारे लहजे में आबिश ने जवाब दिया। एक मिनट के लिए रेशम ने उसको देखा था, वो वाकई ठीक नहीं थी, हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। लेकिन ये सब क्यों था, आहिल से तो कभी मोहब्बत ही नहीं की थी उसने। आबिश मैं यहाँ पता है क्यों आई थी, रेशम ने उससे पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे आहिल याद आता है, बहुत ज़्यादा याद आता है, मैं यहाँ तुम्हें जलील करने आई थी। मैंने खुद से वादा किया था कि तुम्हें उसे कभी भूलने नहीं दूंगी, तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी, लेकिन तुम तो पहले ही बर्बाद हो चुकी हो, तुम्हें तो अल्लाह सज़ा दे रहा है, फिर मैं सज़ा देने वाली कौन होती हूँ, रेशम ने यह सब बहुत नफ़रत भरे लहजे में कहा था। आबिश की आंखें आंसुओं से भर गई थी, उसे ऐसे लग रहा था जैसे अभी कह आ जाएगी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ था, एक मिनट के लिए बैठना भी उसके लिए मुहाल हो रहा था। वो वहीं नीचे ज़मीन पर औंधे मुँह बैठ गई, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। रेशम उसकी ये हालत देखकर डर गई, जितनी भी नफ़रत क्यों ना हो लेकिन उसको इस हालत में देखकर वो मोम हो गई थी। वो जल्दी से जाकर उसकी मामा को बुला कर लाई और फिर दोनों ने जाकर उसे बेड पर लिटा दिया। वो इस वक्त होश में नहीं थी। रेशम फिर वही मामा के साथ बैठ गई। आंटी इसे क्या हो गया है, ये क्या इसने अपनी हालत बना ली है। रेशम को अब सच में फिक्र हो रही थी, उसकी हालत ऐसी थी कि किसी भी पल जान निकल सकती थी। पता नहीं जब से आहिल गया है उसने अपनी यही हालत कर ली है। कभी कहती है मुझे आहिल नज़र आता है, मुझसे बातें करता है, कभी कहती है मुझे वो डराता है, हम सब बहुत परेशान हैं उसे लेकर, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बेटी को। आंटी रोती थी, वो आंटी को क्या तसल्ली देती, ये सब तो अब आबिश ने ही भुगतना था। फिर वो आंटी से इजाज़त लेकर शाम को आने का कहकर चली गई। वो आबिश के लिए सच में बहुत परेशान हो गई थी। आबिश की तबीयत सारा दिन ही ख़राब रही, डॉक्टर घर पर ही आकर दवा दे गया था और जब शाम को रेशम आई तो वो कदरे बेहतर थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, आबिश से मिलने के बाद रेशम ने पूछा। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ज़ाहरी तौर पर ठीक भी हो भी जाऊँ लेकिन फिर भी अंदर से ठीक नहीं हो पाऊँगी, मेरी रूह तकलीफ़ में है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं और तकलीफ़ बर्दाश्त करूं। आप चाहती थी ना रेशम मैं मर जाऊं, आप देख लेना मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। आबिश बोलते हुए रेशम को नहीं देख रही थी। आबिश, रेशम कुछ कहना चाहती थी। नहीं, आप आज मेरी बातें सुने, आप मुझसे नफ़रत करती है ना, सिर्फ इस वजह से कि मैंने आहिल की मोहब्बत कबूल नहीं की और मेरी वजह से वो मर गया। मैं आज आपको सारी हकीकत बताती हूँ। उसने आँखें बंद की थी और पहला दिन याद किया जब आहिल को पहली बार देखा था।
टीवी लाउंज में सोफे पर बैठा वो किन नज़रों से उसे देख रहा था। मुसलसल बगैर नज़रें झपकाए देखे जाना, और फिर ड्राइंग रूम में भी तो वो सबके सामने उसे देखे जा रहा था। वो मुसलसल पड़ती हुई नज़रें कहाँ बर्दाश्त हो रही थी। हमेशा से ही हालात ऐसे पैदा हुए मेरे सामने कि आहिल को पसंद करने की एक भी वजह नहीं थी। आपको पता है, एक इज़्ज़तदार लड़की के पास उसकी इज़्ज़त के सिवा और होता ही क्या है। मैंने हमेशा ख़ुद को पाक रखा, ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि मेरे पर कोई तोहमत भी लगा सके। फिर पता है क्या हुआ रेशम, आहिल ने खुदकुशी की और सारी दुनिया के सामने मैं रुसवा हो गई। सबके सामने थप्पड़ मारे गए, आवारा कहा गया, पूरे ख़ानदान में बदनामी का धब्बा लग गया। क्या कसूर था मेरा, आप बताए ना मुझे, आप होती मेरी जगह तो क्या करती, वो रेशम से पूछ रही थी। लेकिन उसके बोलने का इंतज़ार किए बगैर फिर से बोलने लग गई, सिर्फ यहाँ बस नहीं हो गई, मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया गया इस इंसान के साथ जिससे तब सबसे ज़्यादा नफरत थी मुझे। मेरे माँ बाप मेरे से अनजान हो गए, लेकिन फिर अल्लाह है ना, वो बहुत पाक है, उसने मुझे मेरे माँ बाप के सामने पाक साबित किया और सारी असलियत सामने आई। लेकिन क्या उससे इस बदनामी का अजाला हो गया, आप बताएं ना मुझे। अब आबिश रोते हुए बोल रही थी, आज मैं आपके सामने कुछ बातों का एतराफ़ करूंगी जो शायद मैं खुद से भी करने से डरती हूँ। ये जो निकाह होता है ना, इसमें बहुत ताकत होती है। मैं पहले ये निकाह ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे भी आहिल के इश्क से मोहब्बत हो गई रेशम। हाँ, मुझे हो गई थी मोहब्बत, लेकिन एतराफ़ से डरती थी। बस यही मेरी से गलती हो गई, मैंने बहुत अरसा एतराफ़ ना करके आहिल को अजियत में रखा, गलती हो गई। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रही थी। रेशम ने उसका हाथ पकड़ लिया, शायद वो उसे बोलने की हिम्मत देना चाहती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया था, मैंने एतराफ़ करने का इरादा किया, मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो बिस्तर पर लग गई थी। फिर जब पता चला कि मेरी दोस्त मेरी बहन की ज़िंदगी लेने वाला आहिल है, मैं अगर तब माफ़ कर देती और मेरी दोस्त को कुछ हो जाता तो मैं आखिरत में उसका कैसे सामना करती। आप बताएं, आपकी भी तो कोई बहन होगी ना, अगर कोई आपकी बहन के साथ ऐसा करे तो माफ़ कर देंगी आप? नहीं ना, लेकिन फिर भी मैं गुनहगार हूँ, वो मेरी वजह से 10 साल तड़पा है, तड़पना तो मुझे भी पड़ेगा। उसकी तरह बहादुर नहीं हूँ मैं कि 10 साल तक मोहब्बत की अजियत बर्दाश्त कर सकूँ, मेरी तो अभी से बस हो गई है। उसने आंखें ऐसे बंद की जैसे तकलीफ़ के मारे जान निकलने वाली हो। आबिश अब चुपचाप हो गई थी, अब मजीद बोला नहीं जा रहा था। आबिश में बताओ कि तुम्हारा क्या कसूर है, रेशम ने अब उसका हाथ छोड़ दिया था। आबिश ने आँखें खोली और रेशम की तरफ देखने लगी। तुम्हारा कसूर ये था आबिश, तुमने आहिल की मोहब्बत को उसके गुनाहों की सज़ा समझा। तुम्हें पता है वो आखिरी वक्त तक खुद को गुनहगार समझता रहा, वो यही समझता रहा उसे तो माफ़ी मिल ही नहीं सकती, वो तो गुनहगार है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम खुद अल्लाह से मांगती रही, कामिल यकीन करती रही, लेकिन उसके अल्लाह पर यकीन को तोड़ दिया। तुम्हारी बातों से यही समझता रहा कि जो मोहब्बत अजियत दे वो गुनाहों की सज़ा होती है, और गुनाह किसी न किसी शक्ल में सामने आते हैं, तो उसके सामने मोहब्बत की शक्ल में आए हैं। आबिश, उसकी तड़प की मैं गवाह हूँ, उसके रोने गिड़गिड़ाने की मैं गवाह हूँ, उसकी सच्ची और पाक मोहब्बत की मैं गवाह हूँ। हाँ, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन तुम्हारा यही एक गुनाह है कि तुमने उसे गुनहगार बना दिया और अपने नेक होने का गुरूर किया। गुरूर तो गुरूर होता है, और वो अल्लाह को तो कभी भी पसंद नहीं आता ना। आप सही कह रही हैं रेशम, वाकई मैं मगरूर हो गई थी, तभी अल्लाह ने मेरे से मेरा ये गुरूर भी छीन लिया, और तो और मेरे से दुआ मांगने का हक भी छीन लिया, आबिश बेबस होकर कह रही थी। आबिश, मायूसी गुनाह है, मायूस ना हो, वो अल्लाह जो देकर छीन ले वो दोबारा देने पर भी कादिर है। तुम मांगो भी, माफ़ी मांगो, सजदे में गिरी रहो, तब तक ना उठो जब तक माफ़ी ना मिल जाए। सजदे में गिड़गिड़ाना हो, गिड़गिड़ाता हुआ अपना बंदा उसे बहुत पसंद है, और फिर जिस दिन तुम्हें माफ़ी मिल गई ना आबिश, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा। बस अल्लाह से मांगो, उसने देना है, वही देता है। नमाज नहीं पढ़ी जाती तो ज़बरदस्ती पढ़ो, दिल नहीं करता तो दिल को मार लो, रूह तड़पती है तो उसे ख़त्म कर दो, लेकिन उस ज़ात के सामने झुको ज़रूर। और आबिश, हर वक्त हाथ फैलाए रखो, नहीं कुछ बोला जाता तो रोती रहो, तुम देखना एक दिन ये सब पहले जैसा हो जाएगा। फिर वो उठकर खड़ी हो गई। आबिश, अब मैं चलती हूँ, फ़ोन पर रابطہ करती रहूँगी, मेरी बातों पर गौर करना लाजमी, अल्लाह हाफिज़। और फिर वो चली गई, और आबिश सोच में पड़ गई। वाकई जो अल्लाह ले सकता है वो वापस भी तो दे सकता है, अगर गुनाह हो गया है तो माफ़ी भी तो मिल सकती है, बेशक मुश्किल से मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। और क्यों इतने दिन अल्लाह से
गाफिल रही, क्यों समझती रही वो अल्लाह तड़पाएगा। गलतियाँ और गुनाह इंसानों से ही होते हैं। फिर अजियत फिर भी कबूल थी उसे, लेकिन अल्लाह से दूरी नहीं। फिर वो उठी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिस्म और रूह दोनों निढाल थे, लेकिन खड़े तो होना ही था, आज हिम्मत करनी ही थी। फिर वाकई उसने हिम्मत कर ली, वजू करके आई, इशा की नमाज का वक्त था, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, बैठ गई। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है कि अगर खड़ा होना मुश्किल है तो बैठ जाओ, बैठा भी नहीं जा रहा है तो लेट जाओ, लेटा भी नहीं जा रहा तो इशारा कर लो, अगर उसकी भी हिम्मत नहीं है तो दिल में ही याद कर लो, लेकिन उस रब को पुकारो ज़रूर, याद करो, उसे पसंद है वो लोग जो उसे याद करते हैं। कभी गौर किया है कि अल्लाह के पास तो इतने लोग हैं जो हर वक्त उसे याद करते रहते हैं, हर वक्त उसका नाम लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहता है उसे तुम याद करो। क्या तुम खुशकिस्मत नहीं समझते खुद को? वो रहमान खुदा को तलब, रहमान खुदा को तलब है तुम्हारी याद की। वो चाहता है ना कि मैं जब मोहब्बत करता हूँ इतनी, मैं जब याद करता हूँ इतना तुमको, तो तुम भी तो याद करो ना। वो जाए नमाज पढ़ पर बैठी, जा नमाज पढ़ रही थी, आंसू निकले, आंखों से निकले जा रहे थे, मुसलसल लगातार झुका नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी झुक रही थी, अजियत थी लेकिन फिर भी उस अल्लाह के सामने झुकी हुई थी, तड़प रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। अब रहमान अल्लाह ने अपने कर्म से माफ़ करना था, आज दुआ भी मांगी थी, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी थी, रो रो कर माफ़ी मांगी थी, तड़प थी, रोई थी, अजियत में रही थी, आंसुओं का कुफ़ारा आंसू अदा करते रहे, अजियतों के कुफ़ारे अजियत बर्दाश्त करके अदा करने पड़ते हैं, मकाफात अमल बरहक है, वो तो होता है और होकर ही रहता है। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्म में सुनाती हूँ कि आगे अब इस कहानी का अंजाम क्या होगा, आबिश को माफ़ी मिलेगी या नहीं, आखिर क्या होगा अब इस कहानी में, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्म में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।